दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस महीने की शुरुआत में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल गेम की शुरुआत की थी। साथ ही नेटफ्लिक्स ने कहा था कि वह iOS के लिए गेमिंग सेवा लेकर आएगा, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि एप्पल की एप स्टोर पॉलिसी नेटफ्लिक्स गेम के लिए रोड़ा बन सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में एक ही ऐप की मदद से गेम खेला जा सकता है और उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। बता दे चले कि गूगल प्ले स्टोर के स्टोरी की पॉलिसी iOS की पॉलिसी से अलग है। आपको बता दें कि एप्पल के आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। कंपनी ने यूजर्स की सुरक्षा के मद्देनजर एक पॉलिसी तैयार की है। ऐसे में नेटफ्लिक्स को यह गेम iOS के ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराने होंगे, इसके बाद ही यूजर्स उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर की तरह यूजर्स इसे सीधे नेटफ्लिक्स ऐप पर नहीं खेल सकते हैं। हालांकि बता ये भी दे कि अभी तक नेटफ्लिक्स का इस पर कोई बयान नहीं आया है। दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इस महीने की शुरुआत में एक नहीं बल्कि 5 मोबाइल गेम लॉन्च कर चुका है। नेटफ्लिक्स के 5 पहले मोबाइल गेम के नाम कुछ इस तरह है। पहला स्ट्रेंजर थिंग्स 1984, दूसरा स्ट्रेंजर थिंग्स 3 द गेम, तीसरा शूटिंग हूप्स, चौथा कार्ड ब्लास्ट और 5वां टीटर अप। कंपनी ने गेमिंग के लिए बोनस एक्सप्लोर्स, गेटोस जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने हाल ही में वीडियो गेम क्रिएटर्स नाइट स्कूल स्टूडियो भी खरीदा है। अब अगर बात करें कि क्या ग्राहकों को इन गेम्स के लिए कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ेगा, तो हम बता दें कि गेम के लिए ग्राहकों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यूजर्स नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में ही गेमिंग सर्विस का लुत्फ उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऐप में एक नया टैब है जो गेमिंग का है। उस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको गेम नजर आने लगेंगे। साथ ही एंड्रॉइड टैबलेट में भी आप गेम को आसानी से खेल सकते हैं।